ओके सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट हाउ टू चूज द करेक्ट वेयर हाउस. इतने सारे वेयर हाउस के टाइप्स हैं, तो उनमें से कौन सा टाइप का वेयर हाउस आपकी कंपनी के लिए आपके लिए सुटेबल है वो जानना बहुत ज़रूरी है. उसके कुछ बहुत ही स्पेसिफिक पैरामीटर्स होते हैं, वन ऑफ विच इज मटीरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट. कंसिडर द कैपेसिटी एंड द वर्सेटिलिटी ऑफ द इक्विपमेंट एज वेल एज मेंटेनेंस एंड रिपेयर रिक्वायरमेंट्स. सो यहाँ पे हम ये कहना चाह रहे हैं कि मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स की फैसिलिटी अवेलेबल है कि नहीं वेयर हाउस पे, वो वेयर हाउस की जो लोकेशन है वो कैसी है, वो वेयर हाउस पे जो मेंटेनेंस है वो कैसी है, ये सारे के सारे पॉइंट्स को आपको कंसिडर करना पड़ेगा बिफोर चूजिंग द वेयर हाउस. नेक्स्ट वन इज स्टोरेज कैपेसिटी. आपका जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट की जो स्टोरेज रिक्वायरमेंट है वो कैसी है, क्या वो हैवी स्टोरेज की रिक्वायरमेंट रखता है या फिर वो हैवी वेट की स्टोरेज की रिक्वायरमेंट रखता है, बल्कि है, स्मॉल चंक में आता है. किस टाइप का आपका प्रोडक्ट है उसी टाइप का आपका स्टोरेज कैपेसिटी होनी चाहिए. आप पैलेट का रैक्स यूज़ करने वाले हो, शेल्फ्स यूज़ करने वाले हो या फिर अदर टाइप के स्टोरेज सिस्टम्स यूज़ करने वाले हो, ये पॉइंट्स आपको कंसिडर करने पड़ेंगे बिफोर चूजिंग दी वेयर हाउस. इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि इसमें आपका इंक्लूड होगा बारकोड स्कैनर से लेके RFID टेक्नोलॉजी तक. इनके बारे में डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे पड़े हुए हैं, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो. तो बारकोड स्कैनर की जरूरत पड़ती है जब हम स्टॉक इन कर रहे हैं या स्टॉक आउट कर रहे हैं. उस टाइम पे अगर वेयर हाउस में प्रॉपरली स्टैब्लिश्ड बारकोड स्कैनिंग सिस्टम है तो आपकी जो इन और आउट की पूरी ट्रांजेक्शन है वो बहुत स्मूथली हो पाएगी. RFID टेक्नोलॉजी इज़ मोर एडवांस्ड टू दी बारकोड स्कैनिंग. अगर वो टेक्नोलॉजी है तो आपको देखना पड़ेगा कि आपके प्रोडक्ट्स में RFID लग के आ रहा है कि नहीं आ रहा. अगर आपके प्रोडक्ट्स में RFID लग के नहीं आ रहा है, आपने सप्लायर से नहीं मंगा पा रहे हो, तो फिर RFID टेक्नोलॉजी पे पैसा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है. आप बारकोड स्कैनिंग फैसिलिटी में ही अपना काम चला सकते हो, आपका इन्वेंट्री आराम से मेंटेन हो पाएगा. कंप्यूटराइज्ड इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम है कि नहीं है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. आपके यहाँ रैक, आपकी लोकेशन, आपके बिन कार्ड्स, वो सारी की सारी मैपिंग जो है वो कंप्यूटराइज इन्वेंट्री सिस्टम से हो पाती कि नहीं, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. क्योंकि अगर ये आपके फैसिलिटीज़ आपके पास नहीं है तो लॉन्ग टर्म में स्केल करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा. नेक्स्ट पॉइंट इज क्वालिटी कंट्रोल. इंश्योर द क्वालिटी एंड द इंटीग्रिटी ऑफ योर गुड्स विद इंस्पेक्शन, टेस्टिंग और अदर क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स. यहाँ पे हम ये बोलना चाह रहे हैं कि जब आप कोई भी प्रोडक्ट की अनलोडिंग करते हो, कोई भी प्रोडक्ट को इन करते हो अपने वेयर हाउस पे, तो क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए क्या क्या स्टेप्स फॉलो हो पाएंगे वेयर हाउस पे, क्या क्या फैसिलिटीज़ दे रखी हैं वेयर हाउस में, वो सारी जानना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि आपको थ्रू आउट द नॉट ओनली एट द टाइम ऑफ द अनलोडिंग बट एट द टाइम ऑफ द प्लेसमेंट ऑफ द ऑर्डर एंड एज वेल एज एट द टाइम ऑफ द डिस्पैच, हर एक पॉइंट पे आपकी क्वालिटी कंट्रोल के लिए क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है वेयर हाउस पे, ये आपको पता होना चाहिए. नेक्स्ट वन इज द सेफ्टी. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि अगर आप वेयर हाउस में काम कर रहे हो तो आपके पास एक अच्छा खासा लेबर फ्लीट होगा, बहुत सारे लेबर्स काम कर रहे होंगे, बहुत सारे एम्प्लॉयज काम कर रहे होंगे और बहुत सारे सुपरवाइजर होंगे. इन सबकी सेफ्टी को ध्यान में रखने के लिए क्या स्ट्रक्चर बना है वेयर हाउस का, किस तरीके के इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्लान्स हैं और किस तरह का सेफ्टी का सिस्टम बनाया गया है वेयर हाउस में, ये होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो इसके इस पॉइंट पर भी आप ध्यान दीजिएगा. लास्ट वन इज द कंप्लायंस. कंप्लायंस बहुत है. जब आप वेयर हाउसिंग की इंडस्ट्री में हो तो आपको पता होना चाहिए बहुत सारे नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, जो कि गवर्नमेंट से, लोकल अथॉरिटीज से, आपके नगर निगम से, अलग अलग बॉडीज से आपको अप्रूव कराने पड़ते हैं. अगर आपका फूड इडेबल प्रोडक्ट है तो आपको FSSI का लाइसेंस लेना पड़ेगा. अगर आपका कोई SEZ इकोनॉमिकल जोन में है तो आपको उसका सर्टिफिकेट अलग से लेना पड़ेगा. तो इस टाइप के डिफरेंट डिफरेंट सर्टिफिकेट्स होते हैं, वो सारे के सारे प्रॉपरली मेंटेन है कि नहीं है, कंप्लायंसेस है कि नहीं है, लाइसेंसेस हैं कि नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी पड़ेंगी बिफोर चूजिंग दी वेयर हाउसिंग. नेक्स्ट हम अपने इस सीरीज़ में कंटिन्यू करेंगे वेयर हाउस के ऑपरेशंस. अभी तक आप जान गए होंगे कि वेयर हाउस कितने तरह के होते हैं, वेयर हाउस में गुड्स कितने तरीके के रखे जाते हैं और कौन सा वेयर हाउस सही होगा आपके लिए और कैसे सही वेयर हाउस को आइडेंटिफाई किया जा सकता है. कुछ सवालों के जवाब आपको मिल चुके हैं, आगे हम बढ़ेंगे और डिटेल में. अब हम जाएंगे वेयर हाउस के अंदर. अज्यूम योरसेल्फ यू आर इन द वेयर हाउस. तो उस टाइम पे वेयर हाउस के अंदर में जो केओस का माहौल होता है उस केओस को हम डिटेल में समझेंगे कि वो केओस है या एक्चुअली एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है. अगले वीडियो में जानते हैं. सब्सक्राइब करिएगा नहीं किया है तो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन हैव अ ब्लेस्ड डे. थैंक यू. बाय बाय.